सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू कि किस तरीके से जब आप एक संडे टेस्ट पेपर या आप हमारे साथ एक वीकली टेस्ट पेपर लिखते हैं तो उसको हमें सबमिट आपको किस तरीके से करना है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. याद रखिएगा, अगर आपने सही तरीके से सबमिट नहीं करा तो हम आपके पेपर चेक नहीं करके आपको दे पाएंगे. सबसे पहली चीज, टॉप लेफ्ट में आपको डेट लिखना रहेगा. देन यू विल हैव टू मेंशन योर केई नंबर. केई नंबर क्या है? योर रजिस्ट्रेशन नंबर विद अस. क्लियर? अगर आपको नहीं पता कि आपका केई नंबर क्या है तो जस्ट गो टू योर अकाउंट प्रोफाइल, वहां पर आपको दिखेगा एक नंबर केई 20. लेट से माई नंबर इज 20201, करेक्ट? और 20201 ये मैं हर पेज पे लिखूंगा. जो भी मेरा सोल्यूशन पेज है, जितने मेरे सोल्यूशन पेज है सब पे मुझे मैंडेटरीली लिखना ही है केई 20201, करेक्ट? जितने पेज पे मेरा आंसर है उतने पेज पे. फर्स्ट पेज पे मुझे मेरा नेम जरूर लिखना है, बराबर? जो भी मेरा नाम है वो मुझे लिखना है. पेज नंबर जो है वो मुझे लिखना है, एंड पेज नंबर भी हर पेज पे लिखना कंपलसरी है. सो फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है इतना, पर हर पेज पर आपको क्या लिखना है, तो एवरी पेज दैट यू यूज फॉर द सोल्यूशन आपको लिखना है योर केई नंबर एंड योर पेज नंबर. क्लियर? सो सपोज अगर आपको तीन पेज लगे थे तो यू हैव टू अगेन राइट डाउन द थर्ड पेज के ऊपर केई 20201 एंड यहां पर आप लिखोगे पेज नंबर 3. क्लियर? जितने पेज आपको लिखे थे उतने पेज आप लिखेंगे डेफिनेटली. इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो फर्स्ट पेज पे आपको ये जरूर लिखना है एसटीपी नंबर. एसटीपी मतलब संडे टेस्ट पेपर नंबर. सो हर संडे टेस्ट का एक स्पेसिफिक नंबर है, आपको हर बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखेगा ही. सो सपोज आप संडे टेस्ट पेपर नंबर 5 लिख रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 5. अब संडे टेस्ट पेपर के अंदर पार्ट ए पार्ट बी हो सकता है, वो क्वेश्चन में आपको देखकर ऑटोमेटिकली जज करके लिखना है कि भाई पार्ट ए लिख रहे हो तो पार्ट ए हम लिखेंगे. अब अगर आपने पेपर दिए गए टाइम से कम में लिख दिया तो आप यहां लिख दीजिए कि आपको कितना टाइम लगा लिखने के लिए, एंड हमने जो पेपर आपको दिया है उसमें आपको कंप्लीट करने में दिए हुए टाइम से ज्यादा टाइम लग गया तो कितना ओवर टाइम लगा था वो आपको लिखना है. क्लियर? याद रखिए, टाइम, ओवर टाइम, एसटीपी नंबर, ये सिर्फ आपको पहले पेज पे लिखना है. नेम, ये सिर्फ आपको पहले पेज पे लिखना है. रिपीटिंग में आपको क्या लिखना है, केई नंबर एंड पेज नंबर आपको लिखना है. अब सपोज कि कोई पेपर था, आपने टाइम खत्म हो गया पर आपका पेपर नहीं खत्म हुआ, तो कोई बात नहीं, आप जहां तक लिख पाए वहां तक सही है. जब आपका टाइम ओवर हो गया तब से आप एक डॉटेड लाइन बना देंगे और यहां पर आप लिख देंगे ओटी, और इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सोल्यूशन तो कंटिन्यू करेंगे ही पेपर का जो आपका बाकी है. इससे हमें पता चलेगा कि कितना आपने नॉर्मल टाइम में करा था, कितना ओवर टाइम में करा था. जो आप ओवर टाइम में करोगे उसको हम चेक करेंगे, असेस करेंगे, आपको बताएंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. पर अगर वो करेक्ट होगा तो उसके मार्क्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपके टोटल मार्क्स के अंदर. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द फुल पेपर, ये पेपर आपको हमें सबमिट करना पड़ेगा. आप कैसे सबमिट करेंगे, तो थ्रू एन ईमेल आप इसको हमें सबमिट करेंगे. क्लियर? अब ईमेल आपको किस पे करना है, तो हमारी एक ईमेल आईडी है जिसका नाम है paper, paper@conceptca.com. क्लियर? paper@conceptca.com, इस पर हमें आपको ईमेल करना है. जब आप ईमेल करोगे तो हर बार ईमेल आपको पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, संडे टेस्ट पेपर नंबर कौन सा था, जैसे हमारा केस में इधर 5 था तो हम वो लिखेंगे, एंड उसके बाद आपको कॉमा करके लिखना है कि आपका केई नंबर क्या था, तो 20201. क्लियर? सो जब आप हमें ईमेल करेंगे बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर paper paper@conceptca.com, concept conceptca.com, इस पर आपको पेपर सबमिट करना है. सब्जेक्ट में आपको लिखना है एसटीपी नंबर, एंड योर केई नंबर आपको हमारे लिए लिखना है. एंड अगर आपको इन केस कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन से 9228446565, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. आप पेपर कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो सैटरडे, एवरी सैटरडे 6:00 हम आपके लिए पेपर खोल देते हैं. संडे आपके पास पूरा टाइम है पेपर लिखने का. मंडे दोपहर को 10 बजे, मंडे सुबह 10 पे पहले आपको हमें पेपर सबमिट करना है. अगर मंडे सुबह 10:00 के पहले आप हमें पेपर सबमिट कर देते हैं तो ही आपका पेपर हम आपको चेक करके वापस देंगे. सो याद रखें, मंडे सुबह 10:00. इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज अगर आप हमें मंडे के सुबह 10 बजे तक पेपर नहीं सबमिट कर पा रहे तो अगेन प्लीज राइट एन ईमेल paper@conceptca.com सेइंग कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से मैं 10 बजे तक सबमिट नहीं कर पाया पर मैं 2 बजे तक सबमिट कर दूंगा. विद दिस याद रखें, आई एम नॉट टीचिंग यू कि हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर, दिस इज जस्ट हाउ टू सबमिट अ पेपर टू conceptca.com. प्रेजेंटेशन के लिए यू ऑलरेडी नो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट प्रेजेंटेशन लगता है, बट जो सबसे जनरल पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन इट शुड ऑलवेज बी ऑन अ न्यू पेज, एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपने जैसे चालू करा तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अ न्यू पेज. जब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑन अ न्यू पेज. एंड क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, बराबर? अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए है, बी है, सी है, वो आप एक ही पेज पर लिख सकते हैं.
सकते हैं. सपोज आपने ए लिखा, ए आपको यहां से यहां तक लिखने में लग गया, फिर आप बी वाला लिख रहे हैं, तो दैट इज फाइन. क्वेश्चन वन ए, क्वेश्चन वन बी. पर याद रखें, न्यू क्वेश्चन यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू पेज. विद दिस आई होप हमने बहुत क्लियर कर दिया आपको कि किस तरीके से आपको हमें पेपर सबमिट कर रहा है. वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द ईमेल एड्रेस, इट इज paper@conceptca.com, एंड इन केस ऑफ एनी ट्रबल्स कॉल अस एट 9228446565. थैंक यू.